Assalamualaikum pakhair raha gare, this is my blog and after a very long time we are making another video, another vlog जो कि हज़ारा इन मानसेरा का है। हम जा रहे हैं वहाँ पे, एक इवेंट होने जा रहे हैं जो कि टेक समिट है मैट्रिक्स के नाम से, और बहुत सारे एक्सपर्ट स्पीकर्स आ रहे हैं। इस वक्त हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ हैं अरसलान भाई जो कि अंदर है, वो आपको हम उनको लेके आएंगे। और उसके अलावा टीम है जिसमें आर जे अफरीदी, सलमान एंड इसहाक, और एक और भी गाड़ी आ रही है वो पीछे है। सो कुछ खाने के लिए दिल चाह रहा था तो अभी बस जाते हैं, राहत से कुछ उठाते हैं, उसके बाद रवाना होना है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं अपने टाइम से। और उसके साथ मैं आपको टीम भी दिखा चलूँ, तो हमारे साथ है यहाँ पे इसहाक। इसहाक इज़ द गाय जो कि फ़ुटबॉलर है, उसके साथ साथ रियल स्टेट में काम करता है। एंड देन वी हैव आर जे अफरीदी, एंड आर जे अफरीदी जो है ये ही इज़ अ टिक टॉकर, एंड वी हैव सलमान। तो चलिए सलमान जी सर, एंजॉय करना है। आई थिंक दिस आवर फर्स्ट व्लॉग राइट? यस सर। तो चलिए चलते हैं कुछ खाने के लिए, अंदर चलते हैं आपको दिखा दे क्या हो रहा है। भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अभी फ्रेश हो गए हैं, चाय पी ली है, थोड़ी सी मुझे नींद आ रही थी लेकिन राइट नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश, और बस रवाना हो गए हैं। गाड़ी की भी सफाई कर ली है, तो आई थिंक वी हैव अराउंड सलमान 30 मिनट लेफ्ट ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर ही उधर होंगे। तो बस चलिए चलिए जनाब। लोग क्या कहेंगे, यही से यही नारा तो हम लोगों ने ख़त्म करना है। यस हाँ, अपनी लाइफ मैंने कल देखी अब इस बीच। अच्छा ये लोग क्या कहेंगे। अच्छा जो उसमें दिए वेलकम बैक जनाब। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और मिनिस्टर साहब हमसे पहले चले गए, रास्ता बहुत ख़राब था। तो मिनिस्टर साहब मुझे पता है ये व्लॉग साहब नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रोड सही होना चाहिए। तो बस अभी सामने हमें हाल नज़र आ रहा है और निकल रहे हैं। इसे यहाँ भी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इसके करीबी लोग इसका ये हाल देखकर इसे हंसते हैं कि क्या पागल लड़का है, पीछे का में पड़ा है, भला ऑनलाइन भी कुछ पैसे कमाता है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, हजारा का शुक्रिया, मानसेरा का शुक्रिया, टेक समिट की टीम का, जिन्होंने इन्विटेशन दी। बिलीव मी मैं नहीं आना चाह रहा था लेकिन इतने मैसेजेस आए जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात कि आप लोग लास्ट 2 आवर्स से जीत रहे हो, समझ जाओ। सो अब ये करके कीजिए प्लीज। कुछ करना है वरना मरना है, कुछ करना है वरना नौकर बनना है। यही टाइम है कि इसी में आप लोगों को स्टार्ट लेना है, यही टाइम है कि आपकी तकदीर बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, भाई की स्पीच हो गई है, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, भाई और उनकी बहनों, भाई की स्पीच हो गई है ना, स्पीच हो गई है। मैं नहीं कहूँगा, ये बोलेंगे कि भाई स्पीच कैसी रही, क्योंकि अपने मुँह अपनी तारीफ नहीं अच्छी लगी। स्पीच बहुत अच्छी थी और कैसी हुई आरजे? स्पीच तो बहुत आज ऑडियंस सीख रही थी, आरजे की तारीफ नहीं की। वो शिकायत कर रहा था कि मेरी मिस हो गई, मेरी गलती है। बहुत मोटिवेशनल स्पीच थी और हमें एक एनर्जी दी और एक एज ए टेक्निकल यूट्यूबर में आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहूंगा कि इस मई भाई की जो स्टोरी है सबसे ज्यादा वो इंस्पिरेशन डालती है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात हो ना, तो अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कहा कि कुछ अवार्ड आपसे दिलवाने हैं, तो बस इसी के लिए वेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही होंगे अवार्ड पूरे तो उसके बाद हमने निकलने हैं। सलाम भाई, तुम की तरफ से डिनर का प्रोग्राम है, आप लोग डिनर पर जाना पसंद करेंगे? चलिए तो चलिए अंदर जाते हैं, लिट्सी की क्या सिचुएशन है उसके बाद देखते हैं आगे का है। मैं learnonline.tk
और फर्स्ट अवार्ड फ्रीलांसर जो है उनको अनाउंस करना चाहूंगी, स्टेज पे दावा देना चाहती हूँ, एस एल खान जदून, वेलकम ऑन स्टेज पर। ये हमारी फेवरेट लोकेशन है, जब भी हम टावाज आते हैं तो अखलान भाई यहाँ पे लेके आते हैं। और अभी इंशाल्लाह बर्थडे होने वाली है तो उसकी तैयारियाँ चल रही है। एक बंदे को पता है कि केक हम ला चुके हैं लेकिन दूसरे को बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता तो मैंने उनको बता दिया है लेकिन वो अभी तक कन्फ्यूज़ है। तो यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम है और केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो वापस इस्लाम आबाद का रास्ता, एंड अगर सपोज नहीं हुआ तो बस स्टे कर लीजिए इंशाल्लाह। जी सर लिया है, सिनेमैटिक लिया है सर, आप लोग देख चुके हैं इंशाल्लाह। वैसे आपकी रात रात ठहरने की बात मुझे असबर भाई आ जाए, मशवरा ले। ये है हमारे असबर भाई द ग्रेट, और ये है इस्माइल ब्लॉगर, ये करने वाले उसको बोला तूने हैप्पी बर्थडे गाना है वो एक कैमरामैन किधर हो? हाँ 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 ठीक आ गया। ए दूसरे को छोड़ो इधर से, ऐसे जो बात जब उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है क्या हो रहा है। तो जनाब अभी रात के बज रहे हैं 12:30, हम इस्लाम आबाद पहुंच चुके हैं। चाय की प्याली के साथ ही दिमाग जो है वो पुरसकून हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने देख ली है। और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए इस किस्म के व्लॉग्स लेके आएंगे। सो अगर आपको पसंद है, आप इनवाइट करना चाहते हैं, खाने में बनाना चाहते हैं, या सर कुछ और आपके माइंड में है तो भाई हम हाज़िर हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से तो इतना ही, वाइंड अप करते हैं। लेकिन आज इसहाक से, आरजे से और सलमान स्पेशली, आप अपना रिव्यू मस्त देना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो और इसहाक कैसा लगा आज का दिन? ओ आज का दिन बहुत अच्छा लगा, और मेरा पहला दिन था और काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और बहुत एंजॉय किया, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। वैसे इसहाक आज आपका पहला दिन था, ये बताइएगा इस किस्म का इवेंट आपने लाइफ में अटेंड किया है? पहले कभी नहीं किए तो हमें समझ रहा था कि शायद यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी मतलब अलग टाइप की होगी, इतना सीरियस नहीं लेगी, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने भाई को प्यार दिया, सपोर्ट किया, काफ़ी ज़बरदस्त इवेंट गुजरा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा जब भी भाई के साथ जाते हैं ज़्यादातर सीखने को मिलता है, तो हमारी दुआएँ हैं भाई के साथ, अल्लाह इनको और भी तरक्की दे। ये तरक्की करेंगे तो इनकी टीम तरक्की करेगी, इनके स्टूडेंट तरक्की करेंगे। तो आजकल के सीन ये हुआ कि जब वो वीडियो प्ले हुई ना मेरे लाइफ से रिलेटेड, तो कुछ फीमेल्स आई पास में, तो उन्होंने कहा कि वीडियो ने कमाल कर दिया, किसने एडिट किया? मैं कहा जी मेरे उस्ताद यहाँ पे खड़े। तो अब आपकी तरफ जाते हैं, सलमान अपना बता दें।
میرا تقریباً تھرڈ ایونٹ ہے اور میں سر کے ساتھ ہوتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں بولوں گا, بس میں سر کو صرف تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ اس نے مجھے یہ اپرچونیٹیز دی ہے. اور لاسٹ میں صرف سر کو کہوں گا کہ آئی لو یو سر اینڈ تھینک یو سر فار گیونگ می سچ اپرچونیٹیز. کیونکہ ہمارے بیک ایریا ہے تھوڑا چارسدا ہے, تو اسلام آباد جیسے انوائرمنٹ نہیں ہے وہاں, تو یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں اپنی فیملی کو بھی یہ کہوں گا, یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اسلام آباد جیسے مطلب کیپٹل ہے پاکستان کا, آپ یہاں آئے اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اور اگر آپ کو ہاں انجوائے کریں گے, اگر آپ کو اچھا استاد ملتا ہے, اچھا مینٹور ملتا ہے, تو آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. لاسٹ میں پھر کہوں گا آئی لو یو سر اینڈ تھینک یو سر. سو آئی لو یو ٹو سلمان, تھینک یو ویری مچ. اور بہت انجوائے کیا, بٹ اب چونکہ نیند کا ٹائم ہے, گھر جا کے فریش ہونا ہے, نماز پڑھنا ہے, تو بس اسی کے ساتھ ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوشش ہوگی کہ ریگولر بیس پہ آپ لوگ کے لیے اس قسم کی ویڈیو لاتے رہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پامان.